तो इस समय सुबह के 6:10 हो रहे हैं और 7:10 का टाइम था, पर बस 1 घंटा पहले मुझे उसने पहुंचा दिया मोचित बस स्टेशन। और मुझे ये मालूम पड़ा कि चातुचक बस स्टेशन और कोई मोचित बस स्टेशन भी बोलते हैं, तो मोचित बस स्टेशन और चातुचक बस स्टेशन एक ही है। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 2-4 लोग क्यों नहीं उतरे। बस बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब ये जो बसें हैं ये वीआईपी बसें हैं, लग्जरी बस, मतलब इसमें इससे नीचे की बसें भी आती हैं जो कम की हैं। मतलब जो 500 बात की टिकट है या किसी की 600 बात की टिकट है, ये सबसे टॉप क्लास बसें हैं। इसकी 924 बात की टिकट है, मतलब 1000 बात मान लो आप। तो ये जो है सबसे कंफर्टेबल बसें हैं, मतलब आपको खाना भी मिलेगा। और इस वाली बस की खासियत क्या थी कि इसमें दोनों तरफ एक ही सीट थी और काफ़ी बड़ी सीटें थी, और सीट ऐसी थी कि उसमें मसाजर भी था, और आपकी बैक को वो मसाज करता रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ इसलिए मुझे मालूम है कहाँ जाना है। ये सुबह 6 बजे मार्केट लग गई है। एक दिमाग कह रहा है कि यहाँ तो अंदर बस स्टेशन पे ही बैठूं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30-7:30। दूसरा दिमाग कह रहा है कि पार्क में जाके बैठूं, जिस पार्क में आते टाइम बैठा था 2-3 घंटे। सुबह का टाइम है, पार्क में ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोच रहा हूँ पार्क में ही बैठना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आएंगे, वो भी देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। और पार्क में फ्रेश एयर भी मिलेगी, बस स्टेशन पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पार्क में बैठूंगा, फिर थोड़ा सा दिन निकल आएगा, फिर जाऊंगा होटल ढूंढ करके उसमें चेक इन करूंगा। ठीक है ना, तो मैं पार्क में ही बैठूंगा। तो मैं वही पार्क में जा रहा हूँ, वो और उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधा चले जाऊंगा। क्योंकि भूख है नहीं, और खाने के लिए वो जो बस में कुछ सामान मिला था, जूस का पैकेट मिला था और डोनट्स वगैरह मिले थे, वो सब है मेरे पास। तो अभी मैं यहाँ से वही 3 किलोमीटर है पार्क, 2.5 से 3 किलोमीटर। ढाई से तीन किलोमीटर है, उस पार्क में जाके बैठूँगा थोड़ी देर सुबह सुबह। चिड़ियों की आवाज़ें देख लो आप, यहाँ पर आपको स्पैरो भी बहुत मिलेगी और पिजन भी बहुत मिलेंगे। और अगेन दोस्तों, बस बहुत ही कंफर्टेबल थी, मतलब ये मैंने बहुत बार बस जर्नी की है और अच्छी लग्जरी बस जर्नी की है इंडिया में, पर प्रॉपर नींद नहीं आ पाती थी। इसमें जाते टाइम भी इसी टूर एंड ट्रैवल की कंपनी की बस में था, पर ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया बस थी आते टाइम। और
पैसे दोनों के सेम थे, 924 बात जाने के लगे, 924 बात आने के लगे, पर इसको उन्होंने VIP का नाम दिया और इसमें सिंगल सिंगल सीट थी दोनों तरफ। सीट के अंदर मसाजर था, बैक मसाजर, ये आपने वो बटन था साथ में दबा दो तो वो आपकी बैक को मसाज करता रहेगा, और बढ़िया था। और जो रात को डिनर जो था बुफे डिनर, उसमें VIP वालों के लिए बुफे लगा था, नॉर्मल बस में वालों के लिए वो लोग सेल्फ मतलब खुद ट्रे में डाल के दे रहे थे कि क्या खाना होगा, और जो VIP टिकट वाले थे उनके लिए बुफे टाइप था। बस ने मुझे यहाँ उतारा था, इसकी बैक साइड में, यहाँ से मुझे बाहर आना चाहिए था, और मैं सीधा अंदर अंदर पैदल चलते हुए पहले बस स्टेशन गया और फिर वहाँ से घूम के यहीं आया हूँ। ऐसे फालतू बहुत चलना पड़ जाता है, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि बस स्टेशन पे बैठूँगा 1-2 घंटे, फिर लगा कि यार सुबह सुबह का टाइम है, पार्क में जाके बैठता हूँ। तो ऐसा करके बहुत बार पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। एक बात है दोस्तों, दुबई में रहने के बाद ना थाईलैंड बड़ा सस्ता लगने लग गया है, क्योंकि मैं ना बड़ा लीचर टाइप आदमी हूँ, मैं अपने ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करता, तो मतलब मेरे से ना पैसा मेरे ऊपर खर्च नहीं होता, मैं वो खरीदने के नाम पे कि गर्म कपड़े पजामा, मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें वो है जो मेरी वाइफ मेरे लिए ले आती है या बच्चे जोर डाल के दिलवा देते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि दुबई में रहने के बाद अब मुझे थाईलैंड सस्ता लग रहा है, जबकि मैं पहले जब आया था, पहली बार जब आया था, तो थाईलैंड बड़ा महंगा लग रहा था, क्योंकि हमारे 2.5 रुपये यहाँ के 1 रुपये है, और UAE में, दुबई में हमारे 23 रुपया 1 दिरहम बनता है वहाँ का, यहाँ हमारा 2.5 रुपया 1 भात बनता है, तो अब ये सस्ता लगने लग गया। हालाँकि फिर भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने रहने पर खर्चा कर किया है, कि मतलब कमरे में मैं होटल लेकर के रहता हूँ, सिर्फ इतना मैंने चेंजेस किया, और उसके लिए वो मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा और पूरा घूम करके फिर जा करके मोचित पार्क में पहुँचूँगा, तो कोई बात नहीं, अपने पास टाइम ही टाइम है, ऐसे भी जा सकते हैं आगे से। तो क्योंकि अब मुझे अकेले रहना है, अकेले रहना मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मुझे कमरा बहुत ज़रूरी है, और कमरे की कुछ बेसिक नीड्स हैं, तो मेरे एक बजट है कि मुझे इससे सस्ते कमरे नहीं चलेंगे, और मेरी रिक्वायरमेंट जितने में पूरी हो जाती है उससे ऊपर के महंगे कमरे भी नहीं चाहिए मेरे को। तो जहाँ पर बच सकता है वहाँ मैं बचाता हूँ, और जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं खर्चा कर देता हूँ। तो लोग बहुत सारे कहते कि काय का लीचड़ बनती है कमरा। अब वो होटल के कमरे मेरा घर है, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त वहाँ रहता हूँ, पिछले भी साल में मैं 6.5-7 महीने में बाहर रहा, तो मुझे ऐसे कमरे चाहिए होते हैं जिसमें मेरी नीड्स पूरी हो जाए। अरे तो फ्लाईओवर पे जा रहा है यार, वापस जाना पड़ेगा, वही नीचे से ही घूम के जाना पड़ेगा, ज़िंदगी गोल गोल घुमाती रहती है, अगर ज़रा सा आपने ढील दे दी ज़िंदगी को। तो इसी रास्ते से मैं 4th बार जा रहा हूँ, पहले आया था टिकट बुक करने के लिए तो आया और गया, फिर जिस दिन आना था उस दिन आया, और अब मैं जा रहा हूँ। सड़क पार करना बहुत मुश्किल है बॉस, सड़क पार करना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप जब अपनी मर्जी से कभी कभी लाइफ आपकी रिवाइंड होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे
थाईलैंड में मैं कुछ चीज़ों को मैंने रिपीट किया और दुबई में मैंने रिपीट किया। जब मैं दोबारा गया तो मैं वही होटल में रुका। और क्या होता है, पहली बार आप रिसर्च कर रहे होते हो, एक्चुअली में पहली बार आप सर्च कर रहे होते हो और दूसरी बार में आप रिसर्च कर रहे होते हो। पहली बार में रिसर्च कैसे होगी, पहली बार में होगी सर्च। सर्च करी गई चीज़ को जब दोबारा से आप उस पर काम करते हो उसको रिसर्च बोलते हैं ना, उसका नाम ही रिसर्च इसलिए है। तो पहली बार जब मैं किसी नई जगह जाता हूँ तो वो सर्च होती है, पता ही नहीं क्या होगा। दूसरी बार में रिसर्च होती है तो उसमें नई चीज़ निकल के आती है। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा एक किताब को एक बार में नहीं, कम से कम दो या तीन बार एक ही किताब को पढ़ना चाहिए। अगर वो आपको हर बार थोड़ा थोड़ा अलग लग रही है तो इसका मतलब आपको किताब पढ़ना आता है। तो वही चीज़ है, अब ये जगह दूसरी बार में नोन हो जाती है। जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पर मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वो मैंने सोच रखा है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ कभी आऊँगा तो यहाँ पे उसके लिए, तो उस समय मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। मुझे एक एक चीज़ पता है कहाँ आना है, क्योंकि मैंने जब अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग की थी, धार्मिक यात्राएं जब करता था, और भी हम बिना धार्मिक यात्राओं के भी एक दो बार कहीं गए हैं, तो उस समय ना बड़ा वो होता था, जैसे वो जिम्मेदार पति जिम्मेदार बाप की कौन सा होटल लेना है, कैसे रहना है, इनको दिक्कत ना हो, खाना कहाँ मिलेगा, और मैं खुद खोज रहा होता हूँ। अब मुझे मालूम है कि अगर मुझे उनको कभी दुबई लाना है तो मैं उनको फ़ोन पर भी गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से आना है। हालांकि मैं चाहूँगा कि मेरी गाइडेंस की उनको ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ढूंढे तो उनका भी नया देखेगा, अगर मैं नहीं तो मेरी नज़र से देखेंगे, फ़ायदा क्या है। चलो पार्क में जाता हूँ सुबह सुबह, पर फुल ऑफ एनर्जी हूँ, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैंने 9-9.5 घंटे का सफ़र तय किया है और एकदम फिट हूँ। ये कुत्ते बहुत कम यहाँ पर हैं और ये कुत्ते ऐसे क्यों हैं मैं बताऊंगा आपको। ये सब कुत्तों की ना शेप अलग अलग है, आप देख रहे हो, ये है तो स्ट्रे डॉग पर इनके शक्ल देखो, इनके बाल देखो, ये ऐसे डॉग्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रे डॉग नहीं होते हैं, इक्के दुक्के होते हैं। जो लोग बाहर से कुत्ते लाते हैं अपने साथ, फॉरेनर्स ले आते हैं या यहाँ पर लोग खरीद करके जो पेट पालते हैं, वो जब मिक्सअप होते हैं स्ट्रे डॉग के साथ या लोग उनको जब छोड़ देते हैं सड़कों पर, तो फिर ये इस तरह के डॉग्स होते हैं जो स्ट्रे डॉग हैं पर उनके कहीं पे बाल एक वो महंगे कुत्ते जैसे निकले होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे। ये गोवा में भी आपको मोरजिम वगैरह की साइड में ऐसे डॉग्स मिलेंगे, वो मिक्स ब्रीड जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पर वैसे स्ट्रे डॉग नहीं बहुत कम है, पर इस तरह के बड़े मिलेंगे आपको जिनके आधी शक्ल तो महंगे कुत्तों वाली होगी, फॉरेनर्स जैसी होगी, आधी लोकल जैसी होगी, मिक्स ब्रीड है। यहाँ पर इतनी स्पैरो है और स्पैरो होने का मतलब आप समझते हो कि स्पैरो वहाँ होती है जहाँ पर रेडिएशन कम होता है, इंटरनेट की जो स्पीड होती है, जो उसका रेडिएशन होता है, मुझे ज़्यादा टेक्निकली मालूम नहीं है, वो जहाँ अच्छा होता है वहाँ पर स्पैरो ज़्यादा होती है। जैसे दिल्ली की ये जो स्पैरो है जिसको हिंदी में गोरैया कहते हैं, देखिए जिसको हिंदी में गोरैया कहते हैं, ये जो गोरैया है ये दिल्ली की राजकीय पक्षी है और दिल्ली में ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इंटरनेट के टावर इतने ज़्यादा लग गए हैं जिससे ये लोग धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, मर रही हैं या उस इलाके से भाग रही हैं। तो गोरैया जहाँ पर ज़्यादा हो इसका मतलब ये कि वहाँ पर रेडिएशन या ये जो भी है टेक्निकल चीज़ें वो कम है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या बोलते उसको, इंटरनेट से जो चीज़ें हार्मफुल होती हैं, जैसे वो टावर के आसपास जिनके घर होते हैं उनको बहुत तरह की बीमारियाँ देखी गई हैं उन लोगों में, पर वो इतना स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग तो कुछ हज़ार या लाख रुपये कमाने के लिए अपनी ही घरों के छतों पर टावर लगवा लेते हैं।
कई लोगों की इससे कैंसर होने से मौत हुई है। जूही चावला ने बड़ा विरोध किया था उसका, जूही चावला का केस तो काफ़ी वो भी रहा था हाईलाइट। गिलहरी है, इसको आज मैं कुछ देता हूँ, मेरे पास है, रुक जा। डोनर्स दूंगा, देखो आ गए। वेट कर रही है मेरा। चली गई लेके, मुंह में लेके चली गई, वो खा रही। पिछली बार आया था खाली हाथ दिया था इसको, तो खाली हाथ सूंघ के चली गई। इस बार आई, अब ये देखो यहाँ के ना कबूतर भी आपसे डरेंगे नहीं, आप जहाँ बैठे होगे आपके आसपास घूमते रहेंगे। गिलहरी ऐसे हाथ बढ़ाते ही आ जाती है, मतलब यहाँ के जो जीव जंतु कह लो या ये जो पक्षी वगैरह, ये भी फ्रेंडली है। नहीं तो हमारे यहाँ तो गिलहरी जो है इंसानों से दूर भागती है, और कबूतर भी बहुत दूर रहते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है, अभी भी खा रही है। चलो अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो और थोड़ा सा इसका पीस यहाँ पे रख दूंगा वो ख़त्म करके। देखो इधर भी है, इसको भी दे देते हैं, इधर वाली भी रह जाएगी नहीं तो। चलो लोग लाते ना पार्क में इनके लिए ऐसे खाने के लिए, मुझे नहीं मालूम कि इनको मेरे ख्याल से नुकसान तो नहीं देना चाहिए, पर डोनट्स की ब्रेड थी छोटी सी, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखो तो फ्रेंडली है, मतलब आप उनके आगे हाथ बढ़ा रहे हो, वो आ रहे हैं आपके पास। मतलब इससे ये साबित होता है कि यहाँ के जो छोटे छोटे ये जीव हैं इनमें अनसिक्योरिटी नहीं है इंसानों को लेके। तो दोस्तों मैंने पार्क में एंट्री कर ली है, वही वाला पार्क। अब ये पार्क भी अनजाना नहीं है, जाना पहचाना है। मेट्रो शुरू हो चुकी है, ये जा रही मेट्रो, तो मेट्रो शुरू हो चुकी है, 6 बजे शायद शुरू हो जाती है मेट्रो, और सनराइज़ भी हो रहा है पीछे। अब इस पार्क से एक नाता बन गया है, कनेक्शन बन गया है, तो आज से मान लो कभी 10-20 साल बाद भी मैं कभी आऊँगा यहाँ पे, मतलब इस बीच में भी कई बार आऊँगा, पर 20 साल बाद जाके आप कहोगे यार एक बार मैं 20 साल पहले यहाँ आया था।
ये एक्चुअली मैं अपने आगे के लिए रेफरेंस सेट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बढ़िया हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ों पर वक्त बिताना है आने वाले समय में, जब आप ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए शरीर सक्षम नहीं रहेगा। लास्ट में थोड़ी देर इसमें भी बैठूंगा, ये जो मैजिक फ्रेश है इनका ऑक्सीजन चैम्बर। इनका राष्ट्रगान शुरू हो गया। गार्ड ने सीटी बजा दी थी राष्ट्रगान शुरू होते ही, जो भी इनका नेशनल एंथम है, और ख़त्म होते उसने सीटी बजा दी। और ऐसा मैंडेटरी नहीं कि सभी खड़े होंगे, मतलब हो जाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि जो नहीं खड़ा होगा तो उसको अजीब नज़र से देखा जाएगा। और ये सुबह 8 बजे होता है पूरे थाईलैंड में और शाम को 6 बजे, छोटा सा ही है। ये सुबह 10 बजे का नाना प्लाजा है। मैं आपको रात का नाना प्लाजा तो नहीं दिखा सकता, सुबह 10 बजे का दिखा रहा हूँ। ये 8th फ्लोर पे है जो इस होटल का टॉप फ्लोर है। पिछली बार मैं इस होटल में रुका था तो 3rd फ्लोर पे था, तो मेट्रो नीचे से देखता था, ऊपर से जाती थी। अब मैं ऊपर से देखूंगा मेट्रो नीचे से जा रही है, क्योंकि ये 8th फ्लोर पे है। और 2 बजे चेक इन का टाइम है, पर इन्होंने मुझे सुबह 9:30 बजे ही, मतलब लगभग 9:45 बजे चेक इन दे दिया। रूम अवेलेबल होता तो दे देते हैं।